हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये वीडियो है, मैंने अभी हाल ही में कुछ परचेज किया है। तो जो ये मैंने ख़रीदा है, ये एलिगेंट से ख़रीदा है और मैं सेकंड टाइम एलिगेंट से परचेज कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपनी बाइक के लिए सीट कवर परचेज किए थे और मुझे सीट कवर काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी प्यारे लगे थे और जो सर्विस है एलिगेंट की काफ़ी अच्छी है। तो सेम चीज़ आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगेन अमेज़ोन पे थोड़ा इन चीज़ों का प्राइस थोड़ा हाई है। एलिगेंट पे आपको ये प्राइस में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिलहाल जो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है, ये मेरी एक जैकेट है और ये जो जैकेट है ये बाइकिंग ब्रदरहुड जो ब्रांड है, उस ब्रांड की जैकेट है। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टर लगे हैं, चाहे वो आपके शोल्डर पे हो गए, चाहे वो आपके एल्बो के लिए हो गए, या इसमें बैक पे भी एक अच्छा सा प्रोटेक्शन दिया गया है। साथ साथ ही इसमें एक रेन कवर भी दिया गया है। तो मैं इसको खोल के आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं जैकेट के लुक की। और काफ़ी अच्छा लुक है जैकेट का, काफ़ी अच्छी लग रही है जैकेट। ब्लैक एंड रेड कलर जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लग रही है जैकेट। इसके साथ साथ जो इसमें ये रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी दूर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे नाइट के टाइम पे। अब बात करते हैं जैकेट का बैक साइड की। तो बैक साइड का लुक भी कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छे लग रही है जैकेट। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन इस तरफ भी है, साथ साथ काफ़ी जगह बाइकिंग ब्रदरहुड की ब्रांडिंग है, एक्सप्लोरर की ब्रांडिंग है, और भी जगह ब्रांडिंग की गई है, जैसे कि आपके शोल्डर पे, दोनों ही शोल्डर पे बाइकिंग ब्रदरहुड की ब्रांडिंग है। साथ साथ जो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट के लिए बटन्स दिए गए हैं, ये स्ट्रिप दी गई हैं, तो सारी जगह आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी, बाइकिंग ब्रदरहुड या BBG की ब्रांडिंग दिख जाएगी। यहाँ पे नेक पे एक्सप्लोरर का ब्रांडिंग दी गई है और ये पैंट जॉब से दी गई है। साथ साथ जो ये जिपर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जिपर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जिपर है और इस पर भी BBG की ब्रांडिंग है। इसके अलावा बात करते हैं ये एरिया, यहाँ पे एक अच्छा सा आपका स्लीप पे एक अच्छा सा ये एक पॉकेट सा दिया गया है, जहाँ पे कि आप अपनी आइडेंटिटी वगैरह रख सकते हैं और इमरजेंसी केस में कोई एक नंबर यू मेंशन कर सकते हैं कि जिस किसी भी नंबर पे भी इमरजेंसी के टाइम पे कॉल करना वगैरह समथिंग। तो इसके साथ बात करते हैं इसकी बैक साइड की। तो इसमें जो ये वाला एरिया है, जहाँ से कि हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे जो इस तरह का मैश यूज हुआ है, ये काफ़ी कंफर्ट फील देगा जब भी हम इधर उधर बॉडी स्ट्रेच करेंगे, मूव करेंगे। साथ साथ यहाँ पे एल्बो जो एरिया है, यहाँ पे भी इस तरह का मैश यूज हुआ है ताकि ईजी रहे हमको हाथ वगैरह मोड़ने में। तो आगे बात करते हैं जैकेट के जो ये फैब्रिक यूज हुआ है, फैब्रिक ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। ये सामने जो सिंथेटिक फैब्रिक यूज हुआ है, तो ये जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ जब गर्मियों में आप राइड करेंगे तो यहाँ इस वाले एरिया से जो विंड है, वो विंड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जैकेट के अंदर बना रहेगा, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। और साथ साथ ही जो बैक साइड में भी सेम फैब्रिक यूज हुआ है, तो यहाँ से जो विंड सामने से आएगी, वो विंड इस साइड से पास होती रहेगी, तो ये साइड से भी विंड का सर्कुलेशन जैकेट के अंदर बना रहेगा। तो जो आपके अंदर जैकेट के अंदर जो भी टेम्परेचर है, वो थोड़ा वो मेंटेन होता रहेगा, तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी बॉडी के अंदर जैकेट पहन के। तो गर्मियों में भी आपके लिए ये जैकेट अच्छा रहेगा। साथ साथ जो यहाँ पे साइड वाले एरिया में जो फैब्रिक यूज हुआ है, ये जो मैश है ये कॉर्डुरा मैश है और ये काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो जैकेट की जो
लाइफ रहेगी काफ़ी लंबी रहेगी, काफ़ी अच्छी होने वाली है जैकेट, काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अब बात करते हैं इनर की बात करते हैं इसके साथ, जैकेट के इनर की बात करते हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कवर है ये थर्मल जैकेट है हमारी, और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, मुझे नहीं आइडिया अभी मैं बता नहीं सकता कि ये आपको फुली प्रोटेक्ट कर लेगी या नहीं कर लेगी सर्दियों में। लेकिन हाँ इतना तो है कि दिल्ली की सर्दी, मतलब दिल्ली अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आराम से आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन हाँ आप अगर जो हिल स्टेशन वगैरह पर रह रहे हो या आपको लेह लद्दाख जाना है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा और प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ़िलहाल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये भी, और इसमें भी आपको बाइकिंग ब्रदरहुड का गियर्स का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, यू राइट वी प्रोटेक्ट। तो इसमें भी आपको दो पॉकेट मिल जाएंगे, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा साइज़ का पॉकेट है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं, या उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक छोटा सा पॉकेट इस साइड में दिया गया है जिसमें कि आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉकेट दिया गया है यहाँ पे इन साइड में, और इन केस बारिश वारिश होती है तो आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मोबाइल फ़ोन वगैरह यहाँ पे भी आप कैरी कर सकते हैं या कुछ चीज़ और रख सकते हैं सामान वगैरह। बाकी की चीज़ें आपको, तो एक बार मैं इसको थर्मल इनर को हटा के रिमूव करके देख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके अंदर जो भी प्रोटेक्शन लगे हुए हैं उनकी भी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये कुछ यहाँ से अटैच्ड है जैकेट से, और ये चारों तरफ से अटैच्ड है, इस तरह से अटैच्ड है, तो आपको जब भी ये रिमूव करना होगा तो कुछ इस तरह से रिमूव करना होगा। और तो साथ साथ ही आपको यहाँ से भी अगर जो आपको थर्मल इनर डीअटैच करना है तो साथ साथ आपको यहाँ से भी ये स्ट्रिप खोलनी होगी, तब जाके आपकी इनर ये थर्मल जैकेट आपका इसमें से डीअटैच होगा। दोस्तों अभी बात करते हैं इसके जो ये प्रोटेक्टर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी से आपको सारी डिटेल दिखा देता हूँ। और तो कुछ इस तरह का ये प्रोटेक्टर मिलता है बैक के लिए, और जो प्रोटेक्टर है ये CE लेवल 1 का प्रोटेक्टर है, तो बैक के लिए प्रोटेक्शन के लिए और CE लेवल 1 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और काफ़ी हद तक मतलब छोटे मोटे इम्पैक्ट से आपको ये सेफ कर लेगा, काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा छोटा मोटा ये इम्पैक्ट। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये फिर से लगा दिया है, इसके साथ साथ तो इसके अलावा एक प्रोटेक्टर यहाँ पे दिया गया है जो कि आपके शोल्डर को प्रोटेक्ट करेगा, और ये सी लेवल 2 का है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, आपको ये यहाँ से डीअटैच करना है। इसके साथ साथ आप इसको अगर जो इस तरह से निकाल सकते हैं आप आराम से, तो ये जो प्रोटेक्टर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें मेंशन तो नहीं है कि सी लेवल 1 या 2 का जो सा भी है, ऐसा मेंशन नहीं है कि सी लेवल 1 का है, लेकिन एज ए वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि ये सी लेवल 2 का है। तो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि ये प्रोटेक्शन सी लेवल 2 का है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिलहाल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हार्ड है, और होपफुली ये प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर वाला कुशन ठीक ठाक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन जब कभी भी इम्पैक्ट होगा तो ये आपको श्योरली प्रोटेक्ट करने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको इसी तरह से दोबारा अटैच कर देता हूँ, प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर ये किसी तरह से खुल जाए आपको बता देता हूँ। तो
यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से इसको खोलने के लिए, और जो ये एरिया है यहाँ से इसको खोलना इतना इजी नहीं है। फिलहाल यहाँ से खोला जा सकता है, यस, तो आप इस तरह से ये एरिया खोल सकते हैं इसको। और ये जो प्रोटेक्शन है ये अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, आपके जो एल्बोज है एल्बो एरिया पे काफ़ी इस तरह से ये कवर करेगा, जब भी आप बाइक चला रहे होंगे तो काफ़ी इस तरह से रहेगा, तो जो आपका एल्बो है अगर जब कोई मिस हैपनिंग होती है तो नॉर्मली हमारा जो एल्बो इस तरह से गिर जाता है तो वहाँ पे आपके एल्बो को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके साथ साथ ये जो यहाँ तक आया हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद आपके ग्लव्स होते हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर लेगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसमें एक यहाँ पे एक और जिप है जहाँ पे कि आपका रेन कवर छिपा हुआ है, और आप यहाँ से जो रेन कवर है वो आप रेन कवर निकाल सकते हैं इसमें से, और जब भी बारिश का मौसम हो तो रेन कवर निकाल सकते हैं। और जो ये रेन कवर है कुछ इस तरह का है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी क्वालिटी का है। बीबीजी की ब्रांडिंग इस पर भी दी गई है, बैक साइड में भी ब्रांडिंग दी गई है। और जो इसका साइज़ है वो जैकेट की साइज़ से थोड़ा बड़ा है, तो आप जैकेट पहन के जब भी राइड कर रहे होंगे तो अगर बारिश का मौसम है तो आप जैकेट के ऊपर से इसको पहन ले सकते हैं। तो ये और ये सामने एक स्टेप दी गई है, और इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जब भी बारिश आएगी तो इसमें कुछ इस तरह से दिया गया है तो बारिश का पानी इसमें से आसानी से अंदर नहीं जाने वाला, तो जो जीप है वो काफ़ी अंदर है। और इसमें जो जीप है वो ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी का है, अंदर का भी लाल जो भी है एक अच्छा रेन कवर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो जहाँ जहाँ भी स्टिचिंग हुई है यहाँ पे ये सील पैक जो स्टिचिंग है चारों तरफ से, और ये चारों तरफ से सील पैक स्टिचिंग है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें पानी नहीं आने वाला, तो रेन कवर को ज़्यादा है कुछ नहीं इसमें दिखाने के लिए। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे आपको जो भी प्राइस मिल रहा है उससे कम से कम आपको 1000 के आसपास, 800 से 1000 के आसपास सस्ता मिलेगा एलिगेंट की वेबसाइट पे, तो इसलिए के चलते मैंने ये परचेज कर लिया था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, एंड इनकेस कुछ चीज़ मुझसे रह गई हो जो चीज़ मैं बता ना पाया हूँ तो आज प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मुझे भी उस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने फिर से कुछ और भी परचेज कर लिया है अमेजोन से, और ये है ग्लव्स हैं मेरी बाइकिंग के लिए, तो अब से जब भी मैं आउटसाइड बाइकिंग करने जाऊंगा तो ये पहन के जाने वाला हूं, तो इसका भी मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया है और जल्द से जल्द मैं उसको अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ या आने वाले और भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ आप लोगों से बाय कहना चाहूँगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।